कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काफ़ी बच्चों के डाउट हैं। पहला डाउट है कि अगर ये कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट प्राइवेट पत्राचार वाले बच्चे, इन लोगों का पेपर कैसा होगा? क्या कंपार्टमेंट वालों का पेपर अलग आएगा और इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट वालों का पेपर अलग आएगा? नहीं, सबका पेपर एक ही जैसा आएगा, ठीक है, किसी का भी पेपर अलग नहीं होगा, क्योंकि सबका पेपर एक ही साथ होने वाला है 25 सितंबर से, ठीक है। 25 सितंबर से 8 तक 10th वालों के चलेंगे और 25 से 15 तक 12th वालों के चलेंगे, और पेपर एक ही जैसा होगा सभी का, सभी बच्चों का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है कि सिलेबस कितना आने वाला है, इसका मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें एक्सप्लेन किया है कि सिलेबस 70% आएगा, यानी 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। जैसा लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस था, वही सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आने वाला है, ठीक है। थर्ड डाउट था, जो काफ़ी बड़ा डाउट है, कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? पहले तो अपनी तैयारी करो, ठीक है, तैयारी अच्छे से करो कि फेल होने का चांस ही ना आए। तो तैयार, इम्प्रूवमेंट क्यों दिया जा रहा है? इम्प्रूवमेंट इसीलिए दिया जा रहा है कि जो मेरे पहले कम नंबर आए थे उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम है उसको दिया जा रहा है, इसलिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। लेकिन मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ, अगर इम्प्रूवमेंट में फेल हो जाता है कोई भी स्टूडेंट तो पीछे वाले मार्क्स ही लिए जाएंगे, ठीक है, पीछे वाले जो उसको मार्कशीट में मार्क्स मिले थे वही लिए जाएंगे। एक और इसी से रिलेटेड डाउट है कि अगर बाई चांस इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम दिया उसमें मार्क्स कम आ गए और पहले जो मार्कशीट मिली थी उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो उन दोनों में से कौन से मार्क्स रखे जाएंगे? तो जो पहले मार्कशीट मिली थी उसमें जो मार्क्स आए थे वही मार्क्स फाइनल माने जाएंगे, अभी के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया हो या पहले वाले जो मार्क्स हों, उन दोनों में से जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वही मार्कशीट में मार्क्स मिलेंगे बच्चों को। लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मेन पर्पस यही है कि पहले जो मार्क्स आए उनको इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव करके और बेटर मार्क्स लिए जाए। तो सभी बच्चों को पहली बात तो ये है कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार हर कैटेगरी के बच्चों को तैयारी बहुत अच्छा करना है, ठीक है, तैयारी करो और अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, इसीलिए तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद एक कमेंट आया है बच्चे का, ये कमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिगार्डिंग है। सर मेरा मेल आया है कि रिजल्ट कमेटी हैज़ वेरीफाइड माय रिकॉर्ड बट नो मिस्टेक हैज़ बीन फाउंड एंड डिस्प्यूट इज़ रिसॉल्व। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद स्कूल वाले भी एग्री कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स अनफेयर हैं, कैसे जस्टिस मिलेगा? ये रोहित ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन। तो रोहित, मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का डिस्प्यूट जो हुआ है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर ट्रांसफ़र ही नहीं किया स्कूल वालों ने। अगर ऊपर वो फॉर्म ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं तो ये डिस्प्यूट वाला जो मैटर है वो क्लियर कैसे हो पाएगा? अब ये ऊपर ट्रांसफ़र क्यों नहीं करेंगे CBSE के पास, उसका भी रीज़न है। अगर इन्होंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो इन स्कूल वालों पे पेनल्टी लगेगी, और कमेटी पहले जो थी, पहले जब रिजल्ट बना था तब जो कमेटी थी वही कमेटी इस बार रखी गई है। तो कमेटी अपनी कमियां तो ओपन करेगी नहीं, खुलवाएगी नहीं अपनी कमियां। इसीलिए जैसा एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो कुछ दिन के बाद वो वैसा ही वापस कर दे रहे हैं। बहुत ही कम स्कूल ऑनेस्ट हैं, पहली बात तो ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कम ऑनेस्ट है। वो जो ऑनेस्ट स्कूल है वो ज़रूर ट्रांसफ़र कर रहे हैं CBSE तक, वो उसका भी परसेंटेज बहुत कम है, 5 से 10% स्कूल हैं जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं CBSE की तरफ। मैंने तो जब ये डिस्प्यूट सेटलमेंट की दोबारा कमेटी गठित की गई थी तभी मैंने बोल दिया था कि ये जो कमेटी गठित की जा रही है गलत है, क्योंकि जिस कमेटी को पहले गठित किया गया उसी को बाद में गठित कर दिया गया, यानी जो पहले से अनफेयर थी, जिसने रिजल्ट अच्छा नहीं बनाया, उसी कमेटी को अगर फिर से बना दो तो वो रिजल्ट अच्छा कैसे बना सकती है? ये CBSE को सोचना चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट आ रहा है, और कमेंट के साथ साथ उनके पास मेल भी यही आ रहा है कि उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया लेकिन मार्क्स नहीं बढ़े। तो डिस्प्यूट भरने का फ़ायदा क्या हुआ? CBSE ने डिस्प्यूट पता नहीं ये क्यों दिया और क्या रीज़न था, क्या करने का पर्पज़ था, ये मुझे समझ में नहीं आया।
हाँ, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की सभी बच्चे तैयारी अच्छे से करो, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनको उतने मार्क्स मिल जाए जिससे वो बच्चे अपने आप को प्रूव करके दिखा सकें कि हाँ वो वास्तव में डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं। आगे ऐसा कोई न्यूज़ आएगा CBSE की तरफ से और कोई अगर मुझे कमेंट लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।